हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक समर्स में प्लांट को कैसे हम सेफ रख सकते हैं तेज धूप से, हीट वेव से, और इसी के साथ में अंडर वाटर वाली जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब पानी गमलों से इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो हमारे प्लांट जो है डेड होने लग जाते हैं अंडर वाटर की कंडीशन में आने के कारण। उनकी जो रूट्स होती हैं वो खराब होने लग जाती हैं, जो फाइबर रूट्स होती है, जो फीडर रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो प्लांट को कैसे सेफ रखना है जिससे उसकी फीडर रूट खराब नहीं हो, अंडर वाटर वाली सिचुएशन में आपका प्लांट नहीं जाए, और इसी के साथ में तेज धूप और तेज जो हीट वेव होती है, गर्म हवाएं जो चलती हैं, इनसे प्लांट आपका सेफ रहे। तो यहाँ पे मैं आपको 9 ऐसे सुझाव देने वाला हूँ जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो ये सारी समस्या आपको नहीं आएगी, प्लांट में ग्रोथ और ग्रीनरी दोनों बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को रेगुलर अपडेट्स के लिए जरूर प्रेस करिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स बेसिकली 3 चीज़ों से चलते हैं। पहला होता है सॉइल, जिसके कारण प्लांट के अंदर में ग्रोथ मिलती है, प्लांट के अंदर में फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिलती है। सेकेंड होता है फर्टिलाइजर, जो कि सेम ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग में हेल्प करता है। थर्ड होता है वाटर, जो कि प्लांट को स्टेबल रखने में मदद करता है। अगर एक दिन भी प्लांट को वाटरिंग सही समय पे नहीं मिले तो प्लांट स्ट्रेस में आने लग जाता है, और अगर वाटरिंग का शेड्यूल आपका गड़बड़ है तो प्लांट की जो फीडर रूट है वो खराब हो जाती है और प्लांट पूरे तरीके से डैमेज होकर मर भी सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 बेसिक चीज़ों में वाटर। सो हम स्टार्ट जो है टॉपिक वाटर से करेंगे। वाटर का जो टाइमिंग है आपका वाटर मैनेजमेंट का बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आपको सुबह 7 बजे के पहले पहले प्लांट को वाटरिंग कर देनी है मॉर्निंग के टाइमिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 बजे तक इसे डिले कर सकते हैं, इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा क्योंकि प्लांट के अंदर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस को क्रिएट करेगा। शाम के समय आपको 5 से 6 बजे के पहले पानी दे देना है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है। लेट करेंगे तो फिर पत्तियों के ऊपर में अगर पानी रह जाता है तो फंगस की समस्या आ सकती है। दूसरा है आपको प्लांट्स की साइज़ के हिसाब से वाटरिंग करनी है। अगर बड़े प्लांट्स से कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं जो हाइट में ज़्यादा बड़े हैं, जिनमें ज़्यादा लीव्स है, उन प्लांट्स के अंदर में आपको 2 बार वाटरिंग करनी भी पड़ सकती है। लेकिन जो प्लांट हाइट में छोटे हैं उनके अंदर में आपको वाटरिंग 1 बार ही करनी है। सॉइल हमेशा चेक करके आपको वाटरिंग करनी है। अगर सॉइल ड्राई दिख रही है तो आपको वाटरिंग करनी है, अगर सॉइल गीली दिख रही है, नम दिख रही है, तो आपको वाटरिंग नहीं करनी है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, आप जब प्लांट के अंदर में वाटरिंग कर रहे हैं तो पानी जो है गमले से थोड़ा निकले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले ही 2 में से 1 टाइम मॉर्निंग में आप कर रहे हैं तो, या फिर इवनिंग में कर रहे हैं तो, दोनों में से कोई भी एक टाइम सॉइल के अंदर में से पानी बाहर निकलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे जो नीचे तक की रूट्स रहेंगी वो अच्छे से गीली हो जाएंगी, और पूरी मिट्टी गीली रहेगी तो मॉइस्चर लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, एक और ऐसी चीज़ होती है जो कि 3 बेसिक नीड्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसके अलावा मस्ट नेसेसरी होती है प्लांट्स के लिए, वो होता है सनलाइट। बहुत सारे प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ को कुछ समय के लिए धूप चाहिए होती है, कुछ को पार्शियल शेड में रखना होता है, कुछ को ब्राइट लाइट में रखना होता है। सो अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन गर्मियों के समय में जब तेज बहुत ज़्यादा धूप होती है तो इस समय में प्लांट्स बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण वाटर बहुत तेज़ी से जो है सोखना स्टार्ट करते हैं सॉइल के अंदर में से। इससे पानी बहुत तेज़ी से इवोपरेट हो जाता है, पत्तियों से बाहर उड़ जाता है, और प्लांट का जो पॉट होता है उसके अंदर में वाटर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो जो फीडर रूट होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे प्लांट्स आउटडोर रखे हुए हैं और जिनको एक लिमिट तक ही धूप की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 4 घंटे 5 घंटे तक की रिक्वायरमेंट है, आप इंटरनेट से भी हर एक प्लांट के लिए सनलाइट का रिक्वायरमेंट सर्च कर सकते हैं। जिस भी प्लांट को फुल सनलाइट 7 से 8 घंटे की पूरी धूप चाहिए और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे आप पूरी तरीके से धूप में रखें, जैसे सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, अडेनियम होता है। लेकिन जिस प्लांट को पूरे समय धूप में रखने से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है गर्मियों के समय में, उस प्लांट को आप शेड के अंदर में रखिए। आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं 50% का, या फिर आप मेरे आसपास एक इन्वायरमेंट देख सकते हैं, इस तरीके के इन्वायरमेंट में भी प्लांट को रख सकते हैं। सुबह और शाम की यहाँ पे प्लांट को छन के धूप मिल जाती है और दिन के समय में उसे शेड मिल जाता है। तो इस तरीके का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का करते हैं तो भी सही रहेगा, प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको रखना है। आपको उस प्लांट को इस इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी नहीं रखना है
जिस प्लांट को पूरे दिन की धूप या कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। आपको ऐसे प्लांट को यहाँ पर रखना है जिससे ब्राइट लाइट या थोड़े समय की 1 से 2 घंटे की धूप भी मिलती है और आराम से ग्रो कर सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 4 से 5 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे करी पत्ता, मोगरा, हरसिंगार, अपराजिता, इसके साथ में आंवले का पौधा, बेलपत्र का पौधा और भी बहुत सारे अमरूद के पौधे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें 4 से 5 घंटे की धूप रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर खड़ी धूप इनके ऊपर में पड़ती है तो लीफ बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर इवोपरेट होने के कारण सॉइल जो है पूरी तरीके से ड्राई हो सकता है, प्लांट अंडर वाटर वाली कंडीशन में जाके खराब हो सकता है, फीडर रूट भी डैमेज हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इन्हें ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इनके ऊपर में डायरेक्ट सनलाइट जो है ऊपर से जो सीधी पड़ती है वो नहीं पड़े, दिन में 11-12 बजे तक की धूप इन्हें मिल सके आराम से, और इसके बाद फिर जो है ये शेड में रहे। तो पार्शल शेड वाली सिचुएशन इसके लिए क्रिएट करनी रहेगी। अगर आपके पास में ऐसा कोई प्लेस नहीं है तो आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, ग्रीन नेट में इनको धूप जो है छन के मिलेगी। 50% वाली लगा सकते हैं या फिर 25% वाली भी लगा सकते हैं, और जो सुबह की क्रॉस जो आती है धूप या शाम की जो आती है वो भी इन्हें मिल जाएगी। तो 5 से 6 घंटे की धूप दिन भर की इन्हें आराम से मिल जाएगी और प्लांट ग्रो करते रहेंगे, इजिली चलते रहेंगे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, गर्मियों में जब तेज हवा, गर्म हवा चलने लग जाती है तब हमें प्लांट्स को एक क्लस्टर में एक साथ अरेंज करके रखना होता है, छोटे पौधे बड़े पौधों की छांव के नीचे हों या उनके आसपास हों, जिससे बड़े पौधों से जो ठंडी हवा का जो आसपास का एनवायरनमेंट बनता है वो छोटे पौधों को मिल सके, और छोटे पौधे गर्मियों में गर्म हवा के कारण स्ट्रेस में नहीं जाएं और वो ख़राब नहीं हों। और अगर 1 साल पौधे ने निकाल लिया तो फिर आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें प्लांट क्लस्टर में एक साथ रह सकें और एक दूसरे के सपोर्ट से अच्छा ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, ठंडी हवा उन्हें लग सके और प्लांट जो है लू से बच सकें और सेफ रह सकें और ग्रोथ कर सकें। फ्रेंड्स, गर्मियों के समय में जब लू चलने लग जाती है तब हमें एक काम और करना होता है, हमें प्लांट्स की लीव्स के ऊपर में दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक मिस्टिंग करनी है, उनके ऊपर में फवारे से पानी देना है जिससे लीव जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रख सकें, ड्राई नहीं हो जाए और उनके अंदर में जो है ठंडक बनी रहे। इससे प्लांट्स की लीव्स ख़राब नहीं होती हैं और प्लांट्स के डैमेज होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि मिस्टिंग का जो भी काम हम कर रहे हैं वो धूप में रहते रहते हमें करना है। जब शाम के समय सूरज ढल जाता है तब हमें मिस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम उसके बाद में मिस्टिंग करते हैं तो प्लांट में फंगस की समस्या होने का डर बना रहता है और प्लांट खराब भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जब गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलने लग जाती हैं, टेम्परेचर 40 के ऊपर जाने लग जाता है, तब हमें सॉइल के अंदर में मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए मल्चिंग करना जरूरी होता है। मल्चिंग कई तरीके से की जा सकती है, जैसे कि उपले गोबर के जो कंडे होते हैं उनको तोड़ के बिछाया जा सकता है, आप राइस हस्क रख सकते हैं, आप कोकोपीट डाल सकते हैं, आप नारियल के छिलके हैं उन्हें बिछा सकते हैं, टाइल्स के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े डाल सकते हैं, सूखी पत्तियां आप रख सकते हैं, आप लीफ कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीन नेट आती है उसको राउंड शेप में पॉट के साइज़ में काट के उसे बिछा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के द्वारा आप मल्चिंग कर सकते हैं, इससे जो नमी है अचानक से ऊपर नहीं उड़ती है और सॉइल नीचे की नम रहती है, सॉइल जो है मॉइस्ट रहती है। लेकिन जब हम मल्चिंग कर रहे हैं तब एक बात हमें ध्यान रखना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके प्लांट के अंदर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, रूट रॉट के कारण आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। आपको क्या करना है, सॉइल हमेशा चेक करनी है तभी आपको वाटरिंग करनी है। अगर सॉइल नीचे से मॉइस्ड दिख रही है, नम दिख रही है, 1 इंच तक सॉइल आपकी पूरी तरीके से मॉइस्ड है, नमी है उसमें, आपको वाटरिंग नहीं करनी है। अगर फिर भी आप वाटरिंग करते हैं तो रूट रॉट की प्रॉब्लम आएगी और प्लांट की जो सॉइल है वो ज़्यादा समय तक गीली इसी तरीके से रहने पे, एक जैसी गीली रहने पे रूट्स को ख़राब कर देगी और प्लांट आपका फिर ख़राब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और मर जाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी अगर प्लांट नहीं मरता है तो भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वाटरिंग आपको तभी करनी है जब सॉइल पूरे तरीके से ड्राई हो, इनडोर्स के साथ में तो खासकर इस बात को आपको ध्यान रखना है, आउटडोर्स में फिर भी एक बार चल जाएगा। अगर आप 3 बार पानी दे रहे हैं तो हो सकता है आपको 2 बार देना पड़े, लेकिन इंडोर्स में अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो प्लांट आपका खराब हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू गार्डनर हैं, न्यूली आपने गार्डनिंग स्टार्ट करी है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 15 अप्रैल के बाद से
कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अपने प्लांट्स के ऊपर में नहीं करना है, जैसे कि SSP, DAP, NPK, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, ये बहुत ही गर्म होते हैं और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा गर्म कहलाता है प्लांट के ऊपर में गर्मियों के समय में यूज करने के लिए। इससे फीडर रूट खराब हो सकती है, लीव्स बर्न हो सकती है, प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है, डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, मर भी सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कंपोस्ट। प्लांट के ऊपर में हम 5 तरीके का जनरली कंपोस्ट यूज करते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट का कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, टी कंपोस्ट और इसके साथ में काऊ डंग का कंपोस्ट। इन सभी में जो काऊ का कंपोस्ट होता है वो कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, जो काऊ डंग से बनके तैयार होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है और रूट्स को डैमेज कर सकता है, लीफ बर्न की प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं या फिर आप किचन वेस्ट यूज़ करते हैं या टी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लीफ कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके से सेफ होता है और प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आपको काऊ डंग कंपोस्ट किसी भी कंडीशन में यूज़ करना पड़ रहा है तो मेक श्योर कि पूरी तरीके से सेफ हो, वो बहुत ज़्यादा ताज़ा नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, प्लांट की सॉइल के अंदर में कंपोस्ट के अलावा और भी कुछ हमें समय समय से देते रहना चाहिए, इससे प्लांट के अंदर में ग्रोथ और ग्रीनरी बनी रहती है, साथ में फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी होती रहती है। कंपोस्ट अपना न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर में तभी रिलीज करता है जब हम सॉइल के अंदर में वाटरिंग करते हैं। सो ऐसे समय पे जब प्लांट के सॉइल के अंदर में वाटरिंग नहीं की जा रही है तब कंपोस्ट अपना काम नहीं करता है। सो हमें सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज अल्टरनेट डेज में या वीक में 1-2 बार यूज करते रहना चाहिए, इससे प्लांट के अंदर में ग्रीनरी और ग्रोथ बनी रहती है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनियन पील का, बनाना पील का, ऑरेंज पील का, पोटैटो पील का, काउडंग का, मस्टर्ड केक का, साथ में नीम केक का। आप कंपोस्ट टी बना सकते हैं, आप टी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट की सॉइल के अंदर में दे सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं और उनका वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों के समय में जब अपने प्लांट्स के अंदर में हम वाटरिंग करते हैं तो 2 ऐसी समस्याएं हैं जो कि उत्पन्न हो सकती हैं। पहला है रूट रॉट का प्रॉब्लम। इसके लिए आपको सॉइल के अंदर में जब भी वाटरिंग करनी है तो आपको सॉइल हमेशा चेक करके करनी है। अगर सॉइल पूरे तरीके से ड्राई नहीं है तो आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में वाटरिंग नहीं करनी है। दूसरा है फंगस की समस्या। ज्यादा नमी मेंटेन रखने के कारण या फिर मल्चिंग के कारण प्लांट की सॉइल के अंदर में फंगस लग सकता है, इसके लिए आप फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं। सेम इसी टॉपिक पे मेरा लास्ट टॉपिक मैंने बनाया था जिसके अंदर मैं बहुत सारे फंगीसाइड ऑर्गेनिक बेसिस पे भी कैसे तैयार करने हैं मैंने बताए थे, तो आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू देख सकते हैं और उसमें से जो भी अच्छा लगता है उसे आप अपने प्लांट्स पे या सभी को समय समय पे अपने प्लांट्स पे यूज कर सकते हैं। हमें हमारे प्लांट्स पे फंगस की समस्या से बचाने के लिए प्लांट को 15 दिन में एक बार फंगीसाइड का यूज इस टाइमिंग में जरूर करना चाहिए, इससे प्लांट पूरी तरीके से सेफ रहता है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।